दोस्तों, बात आम आदमी की हो या फिर टीवी सेलिब्रिटीज की, हर शख्स की लाइफ में उनके पापा क्या अहमियत रखते हैं ये तो आप सभी जानते हैं, जो उनके एक आइडल होने के साथ साथ उनके भगवान होते हैं। तभी तो वो अपने हमसफर के रूप में भी अपने पापा की तरह ही पार्टनर को चुनना पसंद करते हैं। हमारी आम जिंदगी और टीवी एक्ट्रेस की तरह बॉलीवुड अभिनेत्रियों का भी यही आलम है, जो अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं और अपने आइडल मानते हैं। तो वही उनके पिता भी अपनी बेटी को किसी एंजल से कम नहीं समझते हैं और उनसे भी बेशुमार प्यार करते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के टॉप 5 अभिनेत्रियों के आइडल फादर से रूबरू करवाएंगे। अगर आप भी इन खूबसूरत बाप बेटी की जोड़ी से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही इस फादर डॉटर की क्यूट सी जोड़ी के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1 पर नाम आता है प्रियंका चोपड़ा का। बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी ब्रिलियंट अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि बॉलीवुड एंड हॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग से तहलका मचाया है। लेकिन अगर बात करें इस ब्यूटीफुल अदाकारा के पापा के बारे में, तो इनके पापा का नाम अशोक चोपड़ा है, जो हर पिता की तरह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें किसी एंजल से कम नहीं मानते थे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें तो अपनी बेटी पर इतना नाज था कि उनकी बेटी ने इतनी जल्दी सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनके पिता पेशे से एक डॉक्टर थे, जो आर्मी चिकित्सक के तौर पर काम करते थे, पर वो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। नंबर 2 पर नाम आता है दीपिका पादुकोण का। बॉलीवुड की मस्तानी गर्ल दीपिका को आज हर कोई जानता होगा, जिनके क्यूट सी डिंपल की तो दुनिया दीवानी है। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अभिनेत्री के पापा के बारे में, तो इनके पापा का नाम प्रकाश पादुकोण है, जो कि प्रोफेशन से एक जाने माने बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं। आपको बता दें, बाप बेटी के रिश्ते में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि कुछ दिनों पहले ही दीपिका ने अपने पापा का बर्थडे मनाया था, जिसमें उन्होंने अपने पापा के लिए प्यारा सा मैसेज लिखा था, सबसे महान ऑफ स्क्रीन हीरो के लिए शुक्रिया, हमें ये दिखाने के लिए कि सच्चा चैंपियन होने का मतलब सिर्फ प्रोफेशनल अचीवमेंट ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना भी है। 65वां जन्मदिन मुबारक हो पापा, हम सब आपको प्यार करते हैं। नंबर 3 पर नाम आता है अनुष्का शर्मा का। जब घूमिया थारे जैसा ना कोई, वाकई ये गाना बिल्कुल अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर फिर बैठता है, जिनकी एक्टिंग नजाकत ने तो लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। वहीं अगर बात करें इस अभिनेत्री के पापा के बारे में, तो इनके पापा का नाम अजय कुमार शर्मा है, जो कि पेशे से एक आर्मी ऑफिसर हैं, और पर जब वो इस पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं। वहीं बात करें इन बाप बेटी की बॉन्डिंग के बारे में, तो इन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है, जहां अनुष्का अपने पापा को एक आइडल फादर मानती हैं और उनकी सर आंखों पर रहती हैं, तो वहीं इनके पिता भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और उन पर जान निछावर करते हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन बाप बेटी के रिश्ते में कितना प्यार है। नंबर 4 पर नाम आता है कंगना रनौत का। बॉलीवुड इंडस्ट्री की मल्टी टैलेंटेड अदाकारा है कंगना रनौत, जिनकी एक्टिंग से ज्यादा तो लोग उनकी बेबाकी अंदाज को पसंद करते हैं। वहीं अगर बात करें इस अभिनेत्री के पापा के बारे में, तो इनके पापा का नाम अमरदीप रनौत है, जो एक लविंग एंड केयरिंग फादर हैं, जो अपनी बेटी कंगना रनौत से बहुत प्यार करते हैं और इनके कुछ मांगने से पहले ही इनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। तो वहीं कंगना रनौत भी अपने पापा से बेशुमार प्यार करते हैं और अक्सर ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पिता और अपनी खूबसूरती फोटो शेयर करती हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि इन बाप बेटी के रिश्ते में कितना ज्यादा प्यार है। आपको बता दें, इनके पापा प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन हैं। नंबर 5 पर नाम आता है करिश्मा कपूर का। 90 के दशक में अपनी नीली नीली आंखों से सभी को मधोश करने वाली अभिनेत्री करिश्मा कपूर की एक्टिंग का तो कोई जवाब ही नहीं। लेकिन अगर बात करें इनके पापा के बारे में, तो इनके पापा का नाम रणधीर कपूर है, जो कि प्रोफेशन से बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता हैं, जिन्होंने संगम, हाथ की सफाई, खजाना, चोर के घर चोरी और जीत जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है और खूब पॉपुलैरिटी हासिल की है, और आज भी ये फिल्मों में एक्टिव हैं, जिन्होंने हाउसफुल 2 फिल्म में देखा गया है। तो दोस्तों, आपको इन फादर डॉटर की जोड़ी में से कौन सी जोड़ी सबसे बेस्ट लगी, आप हमें उस जोड़ी का नाम कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।